हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेगी बात। यूपी के महोबा और हमीरपुर जिले के पाकिस्तानी टिड्डियों का दल अभी भी बुलंदखंड के कई जिलों में किसानों के लिए खौफ का कारण बना हुआ है। ये टिड्डी दल किसी दिन झांसी तो कभी ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर में पहुंचकर किसानों की फसलों को चट करने की कोशिश करता है। पाक टिड्डियों का दल हमीरपुर और महोबा में धावा बोल दिया है। महोबा में 5 दिनों से टिड्डी दल ने डेरा जमा रखा है। यहां कृषि विभाग ने रासायनिक दवाओं को छिड़काव कर हजारों टिड्डियों को मार डाला। हमीरपुर में भी ग्रामीणों ने थाली, ढोल बजाकर और शोर शराबा कर टिड्डियों को मध्य प्रदेश की ओर भगा दिया। यह तो गनीमत है कि फिलहाल 90% खेत खाली पड़े हैं, वरना जिस प्रकार से लाखों की संख्या में टिड्डियां आसमान में मंडराती हैं, उससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। महोबा में पाकिस्तानी टिड्डियों का दल पिछले 5 दिनों से लाखों की संख्या में डेरा जमाए हुए है। टिड्डियों के रोजाना एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने के चलते वन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी खासे परेशान है। टिड्डी दल ने शनिवार को चरखारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्वासा माफ इटावा और सालट गांव में पेड़ों पर डेरा जमाया। टिड्डियों के पहुंचने की सूचना पर ग्रामीण खेतों में बोई गई सब्जी की फसल समेत मूंग उर्द को बचाने को थाली तसले संग पहुंचे और शोर शराबा कर भगाने की कोशिश करने लगे। वही जिला हमीरपुर प्रशासन टिड्डियों को लेकर अलर्ट है। टिड्डियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन अपनी कमर कस चुकी है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर।